तरफ वो भारत सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, और एक आप लोग इतनी तादाद के अंदर एक शिक्षक संघ ये संसद मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप क्या कहें सर? आपका नाम? रामचंद्र डेवास जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। और जैसा कि सब लोग जानते हैं, सरकार ने नई पेंशन योजना लाई है, कोई भविष्य नहीं उसके अंदर। हमारे पैसे को लेकर कोई विजय माल्या की तरह विदेश भाग गया तो हम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। हमारे पास हमारी जो एक जमा पूंजी होगी वो विदेश चली जाएगी और हमारा कोई भविष्य निश्चित नहीं रहेगा। दूसरा, जहाँ तक पे कमीशन की बात है, अब से पहले तमाम पे कमीशनों में हमारा TGT का PGT का एक निश्चित रेशो मंत्रालय होता था, एक निश्चित रेशो होती थी जिसके अंतर्गत एक विशेष हमारा गैप होता था। लेकिन इस पे कमीशन के अंदर वो गैप बढ़कर 10,000 से ऊपर हो गया है, जो हमेशा 100, 200 और 1,000 के रेशो में रहा है, अब की बार 10,000 हो गया है। और हमें छठे पे कमीशन ने अर्जित अवकाश के साथ साथ 20 मेडिकल लीव भी दिया था, लेकिन भारत सरकार ने उसको नहीं माना और हमें केवल 20 मेडिकल अवकाश दे दिया। इस पे कमीशन ने हमें फिर से अर्जित अवकाश देने का रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन भारत सरकार उसको नहीं मान रही। हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं कि हमारे जो अर्जित अवकाश हैं, जो अर्न लीव हैं, वो तुरंत बहाल किए जाएं। लेकिन भारत सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, आप स्वयं देख रहे हैं कहाँ सबका विकास हो रहा है। एक प्राथमिक अध्यापक जिसका वेतनमान अभी सरकार ने दिया है वो है 35,400, एक TGT उसका वेतनमान है 44,600, एक PGT 47,900, तो सीधा सीधा 10,000 का अंतर दिखाई दे रहा है, जो हमारे प्राथमिक अध्यापकों के साथ अन्याय हो रहा है। हम यदि विदेश की बात करते हैं तो विदेश में प्राथमिक अध्यापकों को अधिक वेतनमान दिया जाता है और उनको सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। लेकिन डवाज जी, अधिकतर तो ये जो प्राइवेट सेक्शन और प्राइवेट सारा प्राइवेट करने के लिए जा रहे हैं, और एक तरफ ये कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करेंगे। हम शिक्षा के निजीकरण का घोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि सभी स्कूलों का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनके अंदर क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, और यदि संभव हो सके तो हम मांग करते हैं केंद्रीय विद्यालय की तरफ पर सभी स्कूलों को फैसिलिट किया जाए ताकि हम अच्छी शिक्षा सब बच्चों को दे सकें और ये प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएं। धन्यवाद सर।